मम्मी, तुम्हें पता है हमारे पड़ोस वाले शर्मा अंकल के यहाँ शादी है। हाँ बेटा, मुझे पता है, और अपने घर इनविटेशन कार्ड भी आया है। आज खाना खाने चलना है। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं नहा धोकर रेडी हो जाता हूँ, तब तक तुम भी तैयार हो जाओ। अरे बेटा, मैं तो पहले से ही तैयार होके बैठी हूँ, तू फटाफट तैयार हो जा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पहुँचने से पहले ही खाना खत्म हो जाए। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ, इतना जल्दी खाना कैसे खत्म हो जाएगा? अरे बेटा, तुझे पता नहीं है, वो बहुत बड़े कंजूस हैं। उन्होंने 2000 लोगों को बुलाकर केवल 1500 ही लोगों का खाना बनवाया होगा। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं तैयार हो गया हूँ, अब चलो। आइए आइए भाभी जी, पूरे परिवार के साथ आए हो ना, और कुछ गिफ्ट लाए हो के नहीं? अरे जरूर लाए हैं भाई साहब, हम बहुत अच्छा गिफ्ट लेके आए हैं। क्या मम्मी, तुम भी आते ही बातें करने में लग गई हो? चलो ना जल्दी से चलकर खाना खाते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। ठीक है भाई साहब, बच्चे को भूख लग रही है, वो खाना खाने के लिए जिद कर रहा है, हम अंदर जाकर खाना खाते हैं। ठीक है भाभी, जाओ, और खाने में पूरी पकौड़ी चावल और गुलाब जामुन बनाए हैं। अरे मम्मी, देखो तो, मुझे केवल आधा गुलाब जामुन ही दिया है। हाँ बेटा, मैंने भी 2 गुलाब जामुन मांगे थे, लेकिन मुझे भी 1 ही गुलाब जामुन दिया है। क्यों अंकल, आप हमें कम कम गुलाब जामुन क्यों दे रहे हो? अरे बेटा, हमारे मालिक ने बोला है कि बच्चों को केवल आधा गुलाब जामुन ही देना, क्योंकि उनको ज्यादा मीठा देने से शुगर हो सकता है। पर भाई साहब, मैं तो बड़ी हूँ, मुझे तो 2 गुलाब जामुन देने थे ना। अरे मैडम, हमारे मालिक ने बोला है कि अपने गांव वालों को कम कम गुलाब जामुन ही देना। पर पेट तो हम लोग बारात वालों को खिलाएंगे। अच्छा छोड़ो भाई साहब, अब गरम गरम 2 पूरी दे दो मुझे। ये क्या मम्मी, आपने 2 पूरी मांगी और 1 ही दी, और मुझे तो आधी पूरी ही दी है, ये हो क्या रहा है? अरे भाई साहब, मैंने 2 गरम पूरी मांगी थी, और आपने तो 1 ही पूरी दी है, और वो भी ऐसा लगता है 15 दिनों पुरानी पूरी है। अरे मैडम, हमारे मालिक ने बोला है कि गांव वालों को 3 दिन पुरानी पानी पूरियां खिला देना, ताजी और गरम पूरी तो बारात वालों को खिलानी पड़ेगी, वरना वो नाराज हो जाएंगे। अरे सब कुछ बारात वालों को ही खिलाना था, तो फिर हमें क्यों बुलाया? और हम फ्री में खाने नहीं आए हैं, हम भी गिफ्ट लेके आए हैं। अरे मैडम जी, आप गिफ्ट तो लाए हो, और छोटा लाए हो, और हमारे मालिक का कहना है कि जो जितना बड़ा गिफ्ट लाए उसको उतना ही खाना देना है।